दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग के साथ लोग उनकी बेइंतहा खूबसूरती के दीवाने थे। वो उस दौर की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। बहुत ही कम समय में उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनका गोल चेहरा, करली बाल, गहरी आंखें, प्यारी स्माइल और चेहरे पर मासूमियत अगर दिव्या भारती को बयां करे तो सबसे पहले जहन में उनका भोला सा चेहरा उभरता है। बहुत ही कम उम्र और कम वक्त में उन्होंने लोगों को अपना दीवाना कर लिया था। यही वजह है कि उनकी मौत को भले ही इतने साल गुजर गए, लेकिन उनके यूं अचानक गुजर जाने से हमेशा उनके फैंस की दिल में एक टीस सी उठती हो। दिव्या के अंदर बहुत टैलेंट थी। उन्हें हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा अच्छी तरह से आती थी। वो बिल्कुल डॉल जैसी लगती थी। स्कूल के टाइम में दिव्या बहुत शरारती थी। 9वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था। दिव्या भारती से जुड़े कई किस्से हैं। बताया जाता है कि 1988 में उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने अपने एक फिल्म के लिए साइन किया था। वो गुनाहों का देवता से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उन्हें संगीता बिजलानी से रिप्लेस कर दिया गया। एक्टर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में नोटिस किया और उन्हें राधा का श्याम में साइन करने के लिए सोच लिया था। इनमें गोविंदा लीड रोल में थे। दिव्या ने महीनों तक अपने रोल के लिए तैयारी की। उन्होंने डांस सीखा और एक्टिंग क्लास भी ली, लेकिन एक बार फिर उनकी जगह जूही चावला को रखा गया। इसके बाद दिव्या भारती का कैरियर तेलुगु फिल्म से शुरू हुआ, जिसका नाम बॉबिली राजा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में शूटिंग की और इस फिल्म से स्क्रीन पर डेब्यू किया। 1990 में फिल्म रिलीज हुई और हिट रही, जिसके बाद दिव्या ने एक तमिल मूवी में काम किया। 1991 में भी दिव्या ने साउथ फिल्मी इंडस्ट्री में ही काम किया और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। जहां साउथ में दिव्या की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेकरार थे। दिव्या की पहली बॉलीवुड फिल्म विश्व आत्मा थी, जो 1992 में रिलीज हुई। एक्ट्रेस को सबसे ज़्यादा सात समुंदर पार गाने से फेम मिला। इसके बाद उनकी दिल का क्या कसूर रिलीज हुई, जिसे इसके गानों के लिए जाना गया। दिव्या भारती की मेजर हिट बॉलीवुड मूवी थी शोला और शबनम। इसमें गोविंदा उनके ऑपोजिट हीरो थे। इस फिल्म में दिव्या भारती को काफ़ी अच्छे से फिल्माया गया और इनके गाने भी हिट थे। इसके बाद फिल्म दीवाना ने उन्हें सक्सेस दिलाई, जिसमें ऋषि कपूर और शाहरुख खान थे। फिर उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। इस बीच दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म में भी काम किया, क्योंकि वो वहां के फैंस को अपसेट नहीं करना चाहती थी। आमिर ने ठुकराया था तो सलमान ने दिव्या का दिया था पूरा साथ। असल में ये वाकया साल 1993 में रिलीज की गई फिल्म डर का है। इसमें पहले आमिर खान और जूही चावला को अभिनेता के तौर पर साइन किया गया था। हालांकि इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली चॉइस जूही चावला नहीं दिव्या भारती थी, लेकिन इसके पीछे की असल वजह के बारे में खुद अभिनेत्री दिव्या भारती ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप लाइव शो कर रहे होते हैं तो ये कॉमन सी बात है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है,
मुझसे भी हुई होगी। जैसे मुझे पता लगा मैंने गलती कवर कर लिया। इस दौरान सलमान खान ने उनका पूरी तरह से साथ दिया और अभिनेता सलमान खान ने आमिर खान की जगह परफॉर्म किया। अपने इंटरव्यू के दौरान दिव्या भारती ने सलमान को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।